हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपके एडमिशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो ये इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं। यही जो डॉक्यूमेंट्स वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी रहेंगे। आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हम जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग तैयार करके नहीं रखते हैं और फिर जो आपके लिए ज़्यादा डेट यूनिवर्सिटी ने नहीं दी गई है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपके पास अवेलेबल अभी नहीं होंगे। तो आप कैसे उन्हें ढूंढ लें, या आपने स्कूल से कलेक्ट नहीं किए तो आप स्कूल से ले आएँ, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपने नहीं बनवाया है तो आप जल्दी से बनवा लें। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं? पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की आपकी जो है वो फ़ोटो लगती है। ठीक है, इसके बाद जिसमें आपकी नेम जो है वो कंपलसरी रहेगा। इसके बाद है आपकी 10th 12th की मार्कशीट। आप लोगों की जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होगी वो किसी भी जो है आपका स्कूल, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एमपी बोर्ड हो, किसी कहीं का भी बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई हो, तो आपकी जो भी 10th 12th की मार्कशीट है वो मार्कशीट आपकी कंपलसरी रहेंगी। अगर अभी तक आपने अपनी मार्कशीट नहीं ली है, ठीक है, या फिर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से जो है ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये आपको होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद है माइग्रेशन, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको स्कूल से लेने होंगे तो आप अपने स्कूल से ज़रूर ले लें और टाइम से ले लें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाता है। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। तो आई होप कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, यदि नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लें। और इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से कहाँ से बनना है, पहले से ही चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। देखो, जाति प्रमाण पत्र आपके लिए कंपलसरी क्यों होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वाइस सीट रिज़र्व होती हैं, तो वहाँ आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो आपको जो है वो किसी भी कैटेगरी का कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र आपका कंपलसरी होता है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र आप लोग स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते होंगे, वो इसीलिए कंपलसरी होता है कि आप अगर दूर से होते हैं और आप लोग को जो हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है यूनिवर्सिटी की साइड से, तो वो आपको जल्दी मिलने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। इसके बाद आपका आधार कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है। CUET एडमिट कार्ड, आपका जो CUET आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो उसका आपका एडमिट कार्ड होगा, वो आपको संभाल कर रखना है, ठीक है। अब आपका पेपर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे फेंक देना है, आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए बहुत संभाल के रखने हैं। इसके बाद है CUET स्कोर कार्ड, आई होप कि अभी तक तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा अपना स्कोर कार्ड, तो उस स्कोर कार्ड को भी आपको संभाल कर रखना है। इसके बाद है NCC EWS सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC या EWS सर्टिफिकेट हैं तो आप अवश्य जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगाएं, क्योंकि इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। NCC EWS का क्या फ़ायदा है, वीडियो में सेपरेट वीडियो बनी हुई है कि कितने मार्क्स आपको NCC EWS में जो है वो दिए जाते हैं अगर आप ये सर्टिफिकेट ऐड करते हैं, तो सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद है गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद, ठीक है, जैसे ही आपने 12वीं की, इसके बाद किसी भी तरह का 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम का अगर आपने गैप लिया है तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद जो है वो
गैप लिया है और फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपने बीए कर लिया है, अब एलएलबी करना चाहते हैं, तो बीए के बाद आपने एक साल दो साल का गैप लिया है तो भी आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपने किसी भी तरह से जो है वो गैप किया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। अब हम बात करें कि गैप सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से और कितना टाइम लगता है गैप सर्टिफिकेट बनने में, तो फ्रेंड्स चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर विजिट करें। गैप सर्टिफिकेट करके आप सर्च भी कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद है दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो आप वो भी ज़रूर लगाएं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट थे ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको लगाने ही लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जिस भी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी जो है अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो हम ये किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कोई हमारी भी हेल्प करे। तो इसके लिए आपको अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपको सबको जो है वो शेयर करनी चाहिए, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।